बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि ये पैंडेमिक की वजह से सीएस के जॉब्स चले जाने वाले हैं या फिर सीएस के जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, तो मैं आपका ये मिथ बर्स्ट कर देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होने वाला है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे चल के बहुत ज़्यादा रहने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्मार्टली वर्क करना जानते हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा, हमारी टीचर्स हमें स्टार्टिंग में बोलती थी कि वर्क स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट। जितना ज़्यादा आप स्मार्टली काम करोगे उतना ज़्यादा अप्रेजल मिलेगा, राइट? मैंने रिसेंटली एक ICSI का वेबिनार देखा था जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है MCA, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो एड्रेस कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट रहने वाला है COVID-19 का इंडियन इकोनॉमी पे, जिस पे से क्या कंपनी सेक्रेटरी का रोल रहने वाला है और आगे चल के क्या क्या उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। अगर आपको ये वेबिनार देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जिससे और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके कोर्स के लिए। अभी बात करते हैं कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी तो किन लोगों के लिए रहेगी और कैसे रहेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें डिजिटलाइज करना चाह रही है और इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुकी हैं, जैसे कि MCA की वेबसाइट्स एंड ऑल। अभी बोर्ड मीटिंग्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट हो रही है, क्वार्टरली कंप्लायंसेस भी हम स्टॉक एक्सचेंजेस को डिजिटल मीन से भेज रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स डिजिटली भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अभी से सब कुछ डिजिटलाइज होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो ये कैसे होगा, कहाँ से करना होगा और किस तरीके से ये किया जाएगा, ये सारी जानकारी सिर्फ एक CS को ही होती है। तो बेसिकली एक CS ही कंपनी से सारे लॉज कंप्लाई करवाएगा, फॉलो करवाएगा और डायरेक्टर्स को भी बताएगा कि इस तरीके से करना है। इतने बड़े पैकेजेस लाए हैं गवर्नमेंट ने जो MSME सेक्टर है और जो स्टार्टअप कंपनीज है उनको बूस्ट देने के लिए। इन सबको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी तो लगती है ना, और ये कंसल्टेंसी सर्विसेज सिर्फ एक CS ही दे सकता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि CS को ही आता है कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कौन से लॉज किसको एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है, कौन से रिलैक्सेशन अभी है, सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एक CS के पास ही होती है। जैसे कि हम सुनते हैं न्यूज़ में या फिर लोगों से कि जो चाइना से कंपनीज है वो सारी हटकर इंडिया विल बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो इसके लिए भी CS एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आगे चलकर CS का और एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोपोगेशन में, क्योंकि CS ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं, राइट? CS एक मेजर रोल प्ले करने वाला है IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर मीडिएशन में, प्लस जो कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम है 2020 उसके अंदर भी। सो गाइस, कोविड और नो कोविड, कंप्लायंस हमेशा रहने वाला है और जब तक कंप्लायंस रहेगा तब तक CS का स्कोप भी रहेगा। सो आई जस्ट होप मैं थोड़ा सा इजी फॉर्म में आपको ये कन्वे कर पाई कि क्या क्या स्कोप रहने वाला है। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आउट जो